Hi everyone. Today I am going to start our new subject, Mechanics of Materials. इस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए मुझे और कुछ यूट्यूब्स पे भी कमेंट्स आए हैं, तो इसलिए मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. सिविल इंजीनियरिंग के लिए है ये. 2020 वाले सिलेबस में दिया हुआ है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के नाम से, ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. और जो न्यू सिलेबस किया है 2024 में, उसमें भी इसका नाम चेंज किया गया है, बट सिलेबस वही है. यहाँ पर नाम कर दिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर सिविल इंजीनियरिंग. सिलेबस के अंदर जब आप कंटेंट देखेंगे तो चार चैप्टर जो है, जो पुराना सिलेबस जो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब 2020 वाला सिलेबस, वो सेम टू सेम 2024 वाले सिलेबस में भी दिया हुआ है. जो ये वाला जो सिलेबस है वो 2024 का है, और अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 2020 का है. तो 2020 का जो सिलेबस है वो चार चैप्टर 2024 में इंक्लूड किया गया है, और दो चैप्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा है. तो पहले हम लोग 2020 का देख लेते हैं, बिकॉज अभी हम लोगों को वही पढ़ना है 2020 वाला ही. और जो न्यू बच्चे आएंगे, एडमिशन जो अभी चल रहा है, जो न्यू बच्चे 2024 में एडमिशन लेंगे, वो सिविल इंजीनियरिंग में जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वो 2024 वाला सिलेबस से पढ़ेंगे. तो फिलहाल हम लोग 2020 और 21 वाला देख लेते हैं. और जो न्यू बच्चे जब वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए फोर चैप्टर सेम रहेगा, और बाकी दो चैप्टर जो है ट्रस का और एक और चैप्टर है प्रिंसिपल प्लेन का, वो अलग से रहेगा, तो वो आगे मैं ऐड कर दूंगा. तो फिलहाल हम लोग जो कॉमन है वो देख लेते हैं. तो नीचे चले जाते हैं सिलेबस में, मटेरियल्स ऑफ मैकेनिक्स में. मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यहाँ है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स. मैकेनिक्स तो आपने पढ़ा है, बट वहाँ पर था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. तो वहाँ पर हमने फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था कि कौन से बॉडी पे, कौन से पार्ट्स पे फोर्सेस लग रहा है, तो उसका क्या रीज़न है, क्या वहाँ पर हो रहा है. और वहाँ पर कुछ फोर्सेस पढ़े थे, कुछ स्टैटिक भी पढ़ा था हमने, डायनेमिक भी पढ़ा था. तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में. तो यहाँ पर मतलब मटेरियल्स के मैकेनिक्स के बारे में है. मटेरियल्स पे अगर फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगेंगे, तो कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, कौन सा शेयर होने वाला है, कौन सा स्ट्रेस होने वाला है, स्ट्रेस में भी कौन सा स्ट्रेस होने वाला है, उसी तरह से स्ट्रेन में भी क्या होने वाला है, कॉलम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, बीम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब मटेरियल के अंदर जब फोर्सेज हम लगा रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, वो सब सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में देखेंगे. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम लोग अभी सिलेबस देख लेते हैं. तो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है. फिर यहाँ पर विदाउट डेरिवेशन आपको कुछ चीज़ें पूछ रहा है, बहुत सारा विदाउट डेरिवेशन है, कि मीन सिर्फ आपको डेटा बेस उसको वैल्यू को याद रखना है, कि सेमी सर्कल का क्या होता है, क्वार्टर सर्कल का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है. तो कुछ चीज़ें हैं जो विदाउट डेरिवेशन है. उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का निकालना है, आई सेक्शन का, चैनल सेक्शन का, टी सेक्शन का, इसको हम लोग वन बाई वन देखने वाले हैं. उसके बाद सेकंड यूनिट जो है सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन है. तो यहाँ पर हम लोग रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, इलास्टिक लिमिट पढ़ेंगे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं. फिर नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट बेंडिंग, शियर, नेचर, ये सब सारी चीज़ें हैं. टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, सारे जो सिलेबस है वो लगभग आपको जो मैकेनिकल का सिलेबस है स्ट्रेंथ और मटेरियल का, वो सेम ही है यहाँ पर, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो भी चीज़ें वहाँ पढ़नी है सेम चीज़ यहाँ पढ़नी है. जो मैकेनिकल के बच्चे अगर देख रहे होंगे लेक्चर तो उनको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें जो है ये सब. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है, उस पर एक फॉर्मूला होता है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, आसान न्यूमेरिकल है, वो सब बन जाएगा आपसे. फिर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट है तो वहाँ पर कुछ पहले तो शियर फोर्स के बारे में पढ़ना है, फिर बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ना है, फिर उसका आपको डायग्राम के बारे में पढ़ना है, कि मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर का, सिंपली सपोर्टेड का. सिर्फ दो ही दिया हुआ है, दो ही बीम के बारे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा बीम के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है. उसके बाद बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन बीम, तो यहाँ पर बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस जो है वो प्योर बेंडिंग के बारे में बात कर रहा है. प्योर बेंडिंग में सिर्फ वहाँ पर बेंडिंग लग रहा है और कोई चीज़ें फोर्सेज वहाँ पर नहीं लग रही है. तो हम लोग देख लेंगे चैप्टर नंबर फोर आई थिंक पहले पढ़ना चाहिए आपको, चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो बाद में पढ़ना चाहिए. तो हम लोग देख लेंगे जब हम लोग इस चैप्टर में पहुँचेंगे, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है. बिकॉज पहले हम लोग को शियर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ज़्यादा बेटर निकाल पाते हैं. फिर कॉलम का सिलेबस में दिया हुआ है, कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स जो आपको वर्टिकल जो घरों में कॉलम लगते हैं तो उनके बारे में बताया गया, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, फिर इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं डायरेक्ट पिछले एग्जाम में 2023 के एग्जाम में. फिर यूलर्स थ्योरम पढ़ना रहता है कॉलम में, वो भी हम लोग देख लेंगे. फिर रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो देख लेंगे. और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग लोड एंड सेफ लोड, वर्किंग लोड और सेफ लोड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ना है. ठीक है, तो ये पांच सब्जेक्ट दिया हुआ है सिलेबस में. ये 2020 का सिलेबस है, जो अभी 2024 तक जो बच्चे पुराने वाले हैं वो पढ़ेंगे, और 2024 में जो न्यू बच्चे आएंगे वो आपको जिनका एडमिशन अभी
जुलाई अगस्त 2024 में चल रहा है, वो जब थर्ड सेम में जाएंगे, मतलब 2025 में जब वो थर्ड सेम में जाएंगे तब वो न्यू सिलेबस पढ़ेंगे। तो न्यू सिलेबस में थोड़ा सा वेरिएशन है, लगभग सारी चीज़ें सेम ही हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दिया गया। जैसे यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम चीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम चीज़ है, उसके बाद सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन वो भी सेम चीज़ें, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ऐड किया है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो थर्ड यूनिट जो न्यू सिलेबस में वो थोड़ा सा डिफर है, फोर्थ यूनिट लगभग सेम है सीयर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस, वो सेम ही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, और फिफ्थ यूनिट तो था ही बेंडिंग स्ट्रेस एंड सीयर स्ट्रेस इन बीम्स के बारे में पढ़ना था, और कॉलम की जगह पर यहाँ पर स्ट्रेस दे दिया है। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, दो चैप्टर नया जोड़ा है और कॉलम को हटा दिया है। तो हम लोग को जो अभी पढ़ना है, जो जब हम लोग लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम लोग को ये वाला सिलेबस पढ़ना है, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे, और फिर जैसे ही नेक्स्ट ईयर जब न्यू बच्चे आ जाएंगे तो फिर हम लोग दो चैप्टर उसको भी ऐड कर देंगे वहाँ पर, जैसे कि पुराना भी कवर हो जाएगा और नया भी हमारा कवर हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स क्या होता है पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाएंगे, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है, प्लेन नेबुला का क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन देखने वाले हैं। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको आपको लेक्चर में कमेंट भी कर देना है, उसको कोशिश करूँगा और इजी वे में आपको समझाने के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जिस भी कॉलेज से आप इस लेक्चर को देख रहे हैं आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे पता चले कि कौन कौन से कॉलेज के ये बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच।